नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सीखो चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और ये बहुत ही रिसेंट का अपडेट है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो मीटिंग हुआ है हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के साथ, उसमें क्या फल निकल के आया है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती एक साल के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। और पूरा मैं आपको अपडेट यहाँ पे दिखाऊंगा। 3.5 मिनट का यहाँ पे मीटिंग हुआ था, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, तो आप लोग जरूर देखना। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे मात्र 50 रुपये प्रति महीने का फीस देकर टेस्ट लगा सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट मिलेगा बेस्ड ऑन सिलेबस। आपके जो भी सिलेबस में, उस पूरे सिलेबस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और पिछली बार एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा से हमारे सेट से 60-70% कॉमन क्वेश्चन मिले थे, तो ये पूरा गारंटी है कि आपको भी यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और पैसे दे के आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। डेली क्लासेज होती हैं, डेली 3-3 क्लास होती हैं और डेली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग मीटिंग, देखते हैं कि क्या बातें निकल कर आई हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसको। मेरा प्रश्न ये है कि जो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक उनके ज्वाइनिंग होने में 3 साल का समय लग गया है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनको एग्जाम कराने हम जा रहे हैं 15 दिसंबर से, इनकी प्रक्रिया पूरी होती है 2021 हो जाएगा, तो क्या इनकी ज्वाइनिंग 2022 या 23 में प्लान है क्या, और तब तक हमारे पास कितना बैकलॉग और बढ़ जाएगा? विनोद जी, आपको शायद ये मुझे मेरे ख्याल से आपको हमारा साथ देना चाहिए इस बात में कि कहीं पे भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था या कभी हमने इस परिस्थिति को सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि इनको हम 2018 में एग्जाम करा के या 19 में एग्जाम करा के 21 में ज्वाइनिंग देंगे या आप 21 ही आ जाएगा। लेकिन जो हुआ है पिछले साल भर में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो हम लोग सब उसके आगे मजबूर थे। परिस्थितियां जो है, भगवान करेगा अगर वैक्सीन वगैरह जब जल्दी आ जाती है तो जो आपका अप्रिहेंशन है वो नहीं होगा और हम लोग इनको पहले ही देंगे। हमारा मतलब हम कोई इसको डेफर बिल्कुल ही डेफर करा रहे हैं या किसी और से हमारा एजेंडा ऐसा नहीं है, ये हम आपको मेरी बात नहीं खाती सर, मेरा वो सवाल नहीं था। सवाल जब 2018 में जब हम लोग खबर लिखते थे इस मामले में, तो उस समय ये कहा जाता था कि हम 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे जी, ठीक है। और ये कोविड का सिचुएशन मार्च और फरवरी से आया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अभी वैक्सीन आया है और हम एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा तो एग्जाम चलेगा, तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया और सारी करने में 2022 और 23 लग जाएगा क्या? मैं ये सवाल था मेरा आपसे। मतलब जो हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, हम देख रहे हैं कि पंजाब और कुछ एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर की एजुकेशन चल रहे हैं, फार्मर्स एजुकेशन चल रहे हैं, हमारी रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं, सर्विस जो है, और ऐसे जगहों पर जब एग्जाम कंडक्ट होगी, स्टेशन सेंटर तक आ सके, इसके लिए क्या कैसे फिर पॉसिबल होगा, क्या इंतजाम किए गए हैं? जहां पर जहां नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज चल रही है, वहां पर रेलवे ने पूरा प्रयास है कि हम वहां पर कैंडिडेट्स को पहुंचाएंगे, मतलब उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। जहां पर कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, उसके लिए हमने उनके चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है इसको ठीक करने के लिए, सो दैट उनको कोई दिक्कत ना हो। ये प्रॉब्लम, इसका मैं ही जवाब दे सकता हूँ कि ये कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, ये कंसर्न जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनका सब्जेक्ट है, उनको जरूर इसको इंश्योर करें कि हमारी ट्रेनें चले, और अगर इसको स्थिति आती है उस वजह से सिचुएशन होगी, सब निर्णय लेंगे। ये आपसे कह सकते हैं सर, लेकिन अगर इसमें कोई कैंडिडेट किसी वजह से, अगर इस तरह के एजिटेशन की वजह से अगर एग्जाम देने से वंचित हो जाता है, तो उसके लिए क्या कोई फिर दूसरा विकल्प होगा आगे? नहीं, जैसे हमने अभी आपको कहा भी, हमने ये सब्जेक्ट को अभी एड्रेस नहीं किया क्योंकि कहीं से हमको इस तरह की सूचना नहीं है अभी किसी, हमारे चेयरमैन ने भी हमें ऐसा सूचित नहीं किया है और ना हमें कहीं स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कुछ संज्ञान में हमारे आया है कि ऐसा कहीं संभावना है। लेकिन अगर ये परिस्थिति बनेगी तो हम कैंडिडेट्स का हित जो है जरूर ध्यान में रखेंगे, ये जो उनकी जो किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है, यहाँ पे वहां पे जैसा हमने आपसे कहा किसी को टेम्परेचर अगर डेवलप हो जाता है उस दिन, तो उसको भी हम अल्टरनेट मौका देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन आश्वासन दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर पहली भर्तियां कंप्लीट करा दी जाएगी, उसके बाद जो नए वैकेंसीज आएंगे उनके ऊपर काम किया जाएगा।
तो आपको अगर ये पोस्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दें जो भी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा भर्ती है और कब हमारी परीक्षाएं होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के लिए, आरएलबी एनटीपीसी तैयारी के लिए व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।